हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स, मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। अ क्विक डिस्क्लेमर गाइस, ये जनरल रीडिंग्स हैं गाइस, आपके साथ ज़रूरी नहीं कि हर बार रेजोनेट करें। यहाँ से जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करती हैं, आप उन एनर्जीज को क्रैप कीजिए, बाकी अदर चीज़ों को डिस्कार्ड कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। तो आज के एनर्जीज की थीम के लिए कार्ड्स आए हैं एडवेंचर, सोरो, माइंड एंड एक्सपीरियंसिंग। तो इन एनर्जीज से मुझे यहाँ पर वाइब फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स दोनों की ही ग्रैब हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं गाइस कि एक सिनेरियो जो मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है, ये एक ऐसा सिनेरियो होगा कि आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है, या फिर हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हुई हैं। आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में शायद ले रहे होंगे। इस पर्सन का बिहेवियर शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर इस पर्सन से आप लोगों की एक नॉर्मल वे में बात हुआ करती थी तो ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है इस पर्सन ने आपसे एक क्लियर वे पर कम्युनिकेशन रखना छोड़ दिया, या फिर ऑल ऑफ अ सडन ये आपसे कटे कटे रहने लगे। तो शायद ये जो बातें हैं आपको कंफ्यूज करती हैं, आप इस पर्सन को पूरी तरीके से रीड नहीं कर पा रहे हो। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, आप दोनों ने अगर लाइफ की प्लानिंग्स को लेकर बहुत कुछ इनसे कहा था, या फिर आपने एक कंडीशनिंग इनके तरफ रख दी थी कि आगे जो भी हमारा एक रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, प्रोसीड होगा वो इस वे में होना चाहिए। तो आपने अगर ऐसा कुछ सोच लिया था, या फिर इस पर्सन के आगे आपने कुछ कंडीशन या लिमिटेशंस रख दी थी, तो तब से शायद आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इस पर्सन की तरफ से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये आपकी तरफ ओपन नहीं हो पा रहे हैं, खुलकर शायद आइदर आपसे बात नहीं करते होंगे, या फिर आपसे कोई बहाना बताकर ये गायब हो जाते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इनकी एनर्जीज एडवेंचर एंड सोरो वाली बनी हुई हैं। इट मींस दैट कि हो सकता है ये पूरी तरीके से रेडी नहीं है गाइस। जो भी आपने इन्हें टास्क दिया है वो इनके लिए एक किसी एडवेंचर से कम नहीं। हो सकता है ये उस सिनेरियो में एक डेंजर देख रहे होंगे, या फिर आगे का रास्ता इन्हें क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा जो भी आपने इनसे कहा है, मांगा है, या फिर अगर कोई कंडीशन आपने रखी है तो उस कंडीशन में इनको एक फियर नज़र आता है। सोरो का मतलब ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, इसलिए शायद ये कुछ टाइम ऑफ लेकर आपसे आइदर गायब हो गए होंगे, या फिर बहुत ही लीस्ट वे में आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कई सारे सवालों को ये आइदर अवॉइड कर रहे होंगे, आपसे आपके सवालों से ये बचने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन इक्वल वे में वो भी एक पेनफुल एनर्जीज में ही बने हुए हैं, गम में बने हुए हैं। सोरो वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि दे आर नॉट हैप्पी, दे आर एंग्शियस, और एट द सेम टाइम ये आपको खोने से डरते हैं, राइट? तो इनकी एनर्जीज इसी वे में मुझे शो हो रही हैं गाइस। आइदर दे आर नॉट रेडी, या फिर जो भी आपने इनकी तरफ एक कंडीशन रखी है या कोई डिमांड रखा है, ये उस डिमांड को एट दिस टाइम एटलीस्ट पूरा नहीं कर पाएंगे। ये हो सकता है कुछ टाइम ले रहे हैं, कुछ ब्रेक लेना चाहते हैं, चीज़ों को डीपली एनालाइज करना चाहते हैं, और ये उन सारी चेंजेस के साथ आपके तरफ एक कमबैक करना चाहेंगे, राइट? तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर माइंड वाली बनी हुई हैं। कई सारे थॉट्स हो सकता है आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे इनके बारे में, शायद आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होंगे। डर आपको भी होगा गाइस, एक क्लैरिटी आप भी चाहते होंगे, लेकिन आप अपने माइंड की कही हुई बातों को इन पर इम्पोज कर रहे हो, तो आई थिंक यू गाइस आर डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर। और शायद ये बात कहीं ना कहीं आपको पता है कि एक गुस्से के चलते, या फिर एक एंग्शियस या कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज के चलते आप इस पर्सन की तरफ जो भी कम्युनिकेशन रख रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा आइदर नेगेटिव हो सकता है, या फिर ना चाहते हुए भी आप इस पर्सन को हर्ट कर रहे होंगे, इनसे वॉक अवे होने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि शायद आप पास्ट के किसी एक्सपीरियंस को रिपीट नहीं करना चाहते। ऐसा इससे भी पहले आपके साथ हुआ होगा गाइस, आइदर विद द सेम पर्सन या फिर किसी और पर्सन के साथ यही सेम सिनेरियो
हुआ होगा जो आप रिपीट नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है नेगेटिव एक्सपीरियंस, तो अब शायद आप किसी पर उस हद तक भरोसा नहीं कर पा रहे हो। तो इस पर्सन की तरफ से अगर आप एक रेजिस्टेंस देख रहे हो तो शायद आपको इस बात का डर होगा कि ये आपसे वॉक अवे हो जाएंगे, फॉल्स प्रॉमिसेस रखकर चले जाएंगे, इससे पहले ये चले जाएं कि मैं ही चली जाऊं। यू नो, कुछ सेट ऑफ फेमिनेंस ऐसे ही सोचते होंगे कि वो मुझे छोड़ दें उससे पहले मैं ही इन्हें छोड़ देती हूं, ताकि मुझे एटलीस्ट मेरे दिल पर बर्डन तो नहीं रहेगा, मुझे पेन तो नहीं होगा, तकलीफ तो नहीं होगी। तो एक रेजिस्टेंस दोनों ही की तरफ से मैं यहाँ देख रही हूँ। हो सकता है इट्स अ ग्रेट डील ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग गाइस, आप दोनों को एक क्लियर कम्युनिकेशन में आने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि इवेंचुअली आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो उस पर्सन से वही शायद आप हासिल करोगे। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट ट्राइंग, आपने इनसे जो भी कहा था या फिर जो भी आपने इनसे डिमांड रखी थी उस चीज़ के लिए अगर ट्राई नहीं कर रहे हैं, आपको अगर ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है। मे बी शायद ये अपने एंड पर कई सारी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ये आपको खोने से डरते हैं। और इस दौरान इस सिनेरियो में कम्युनिकेशन को बहुत ही क्लियर वे पर रखना पड़ेगा। अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करोगे गाइस तो चीज़ें और भी वर्सन हो सकती हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा आप इस सिनेरियो में जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो वही आपको फाइनली मिलेगा। तो अगर आप पॉजिटिविटी रखोगे, पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे इस सिनेरियो में, तो ऑफ कोर्स इस पर्सन की तरफ से आप पॉजिटिव वे में ही सुनोगे। अगर आपने यहाँ पर एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस रखी या फिर एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन रखी तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होगा। तो ये देखना पड़ेगा कहीं आपने ऐसी कंडीशन तो इनके सामने नहीं रख दी जो ये शायद कभी कर ही नहीं पाएंगे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम सामने वाले पर्सन की एबिलिटी को नहीं देखते हैं, एक हाईएस्ट वे में डिमांडिंग हो जाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं, उम्मीदें उनके तरफ हमारी बनने लगती हैं। ये आपको देखना होगा कि इस पर्सन से आपने मांगा क्या है, क्या ये वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। इनकी एबिलिटी को वहाँ पर देखना पड़ेगा और इनके हालात भी देखने होंगे कि ये किस कंडीशन में अभी चल रहे हैं, उन सारे कंडीशंस के तहत क्या ये आपकी कही हुई बात मान पाएंगे। अगर आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो शायद एट दिस टाइम में भी ये ना दे सकें आपसे, राइट? तो यही आज का सिनेरियो है, आज की थीम है गाइस। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये इनकी थॉट्स हैं आपको लेकर। हो सकता है आपने गुस्से में या फिर हर्ट होकर इनसे कुछ ऐसी बातें कह दी होंगी, आइदर विद द मैसेजिंग या फिर आपने इनसे डायरेक्टली कुछ ऐसा कहा होगा जो शायद इन्हें एक पेनफुल सिचुएशन में डाल गया। आपने अगर इनके सामने कुछ टाइम फ्रेम रखा है कि इस टाइम फ्रेम तक आपको मुझ तक कम बैक करना है या फिर इस टाइम फ्रेम तक आपको मुझे कमिटमेंट देना है वरना मैं आपकी लाइफ से वॉक अवे हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, ऐसा कुछ अगर आपने इनसे कहा है गाइस, तो इस बात को लेकर पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं और ज़रूर ये इस बात से हर्ट हुए होंगे गाइस, और टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि अगर ये अपनी लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनकी जॉब या फिर इनकी फैमिली लाइफ इनके लिए इक्वली मैटर करती है, तो शायद यही वजह होगी ये आपकी तरफ एक फाइनल वे में अप्रोच नहीं रख पा रहे होंगे और ये आपसे कटे कटे रहते होंगे, आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे होंगे। और इस दौरान आपने इनसे कुछ ऐसा कम्युनिकेट कर दिया होगा गाइस कि शायद आप दोनों के बीच में एक हर्टफुल सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास्ट के लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से आप डरते हो, आपके भी कुछ डार्क फियर्स होंगे, डीपेस्ट फियर्स होंगे जिनको आप अपनी लाइफ में रिपीट नहीं करना चाहते। बहुत मुश्किल से शायद आपने खुद को संभाला होगा, राइट? तो उस पेन से बचने के लिए शायद आपने इनसे कुछ ऐसा कहा होगा जो इनको भी एक हर्टफुल सिचुएशन में डाल रहा है गाइस। राइट नाउ करंट इनकी थॉट्स आपको लेकर यही कहती हैं कि ये जगल कर रहे हैं किन्हीं दो टास्क में, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, इवन यहाँ पर अगर दो
लोग हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी सिनेरियो है, तो ये उस थर्ड पार्टी और आप में जगल कर रहे हैं, एक बैलेंस शायद ये हासिल नहीं कर पा रहे कि आपको कैसे मनाया जाए या फिर आपसे कुछ टाइम कैसे बाय किया जाए, ये शायद ये समझ नहीं पा रहे होंगे गाइस। तो इनके एनर्जीज काफी सारे वेज में डिस्टर्ब्ड हैं। एक तो ये बिजी होंगे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और साथ ही साथ आपकी तरफ से ऐसा कुछ इन्हें एक पेनफुल एम्बियंस मिला है, तो उस वजह से भी ये परेशान है गाइस। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर यहाँ पर कहती हैं 7 of Wands, 3 of Pentacles एंड 10 of Cups। चाहे कुछ भी हो जाए सिनेरियो इनकी लाइफ में, जो भी हो, ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे, मेहनत करना चाहते हैं इनके पाथ पर। अभी राइट नाउ जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं गाइस, उन सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करने के लिए ही शायद ये एक एफर्ट रखते हुए मुझे ये नजर आ रहे हैं गाइस, क्योंकि ये आपके साथ 10 of Cups चाहते हैं। 10 of Cups इज द कार्ड ऑफ मैरिज। अगर आप दोनों के बीच में मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर डिस्कशन हो चुका है, तो जरूर ये उसी सिचुएशन पर वर्क करने के लिए खुद में एक समझ लो एफर्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड। अगर ये फाइनेंशियली वीक हैं गाइस, फॉर एग्जाम्पल शादी की जब भी बात होती है, तो फाइनेंशियली मैस्कुलिन्स को अपने एक सिक्योर्ड जोन में रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैस्कुलिन्स के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ये एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ये किसी के भी अंडर नहीं रह सकते गाइस। कई सारे ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कह सकती हूँ कि अगर वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड नहीं है, तो वो खुद में एक स्टेबिलिटी महसूस नहीं करते, और यही वजह होती है कि आइदर आपसे भाग रहे होते हैं, या फिर आपसे टाइम ले रहे होते हैं, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे आपको बहाने बताकर ये गायब हो जाते हैं, जहां पर शायद आपको इन पर डाउट होने लगता है। लेकिन वजह एक्चुअल में ये होती है कि ये आपको किसी भी फॉर्म में लीस्ट नहीं ऑफर कर सकते। एक फर्म फाउंडेशन ऑफर करने के चक्कर में हो सकता है ये आइदर आपसे भागते होंगे, या फिर आपसे कटे कटे रहते होंगे, पूरी तरीके से एक क्लियर वे में कम्युनिकेट शायद आपसे ये नहीं करते होंगे। तो यही मुझे आज का सिनेरियो नज़र आ रहा है गाइस। आई होप कई सारे लोगों के साथ ये सिनेरियो रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो ज़रूर ये आप ही लोगों की एनर्जीज हैं गाइस। अब बढ़ते हैं फेमिनिन्स की एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, डेथ, हाई प्रिस्टेस, 8 of Wands एंड 9 of Wands। तो इन एनर्जी से एक सिनेरियो तो बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रहा है गाइस। आप इनके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बने हुए हो, यानी कि जरूर आपने इनकी तरफ कोई कंडीशनिंग रखी होगी, आपने इनसे कुछ ऐसा कहा ही होगा कि आइदर इस टाइम फ्रेम तक आपको सारी चीजें करनी है, राइट, वरना ये जो रिलेशनशिप है या फिर ये जो कनेक्शन है, ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर डेथ वाली एनर्जीज है। आपने इन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक चांस आपने इनकी तरफ प्रेजेंट किया होगा, और अब की बार आपने जो भी इनकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की है, वो एक टाइम लिमिटेशन के साथ आती है। मतलब इस टाइम फ्रेम तक आपको ये सारी चीज़ें करनी है, अदरवाइज मैं और वेट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ऐसा सिनेरियो शायद आपने इनके सामने प्रेजेंट किया होगा। अब आप शायद यही सोच रहे होंगे गाइस कि कहीं आपकी इस कंडीशन की वजह से तो आपके मैस्कुलिन वॉक अवे नहीं हो गए हैं, तो इस बात से शायद आपको डर भी लग रहा होगा। भले ही आप वोकल होंगे कि आप इनसे वॉक अवे हो जाओगे या फिर आप इस कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आपके दिल के हिसाब से, मतलब ऑन योर हार्ट स्पेस, आप इस पर्सन को लूज नहीं करना चाहते। यहाँ पर 8 of Wands एंड 9 of Wands की एनर्जीज यही कहती हैं कि इस पर्सन से आप डीपली अटैच्ड हो, इवन विद द हाई प्रिस्टेस एनर्जीज। इस पर्सन की तरफ आपका जो भी एक कनेक्शन है, वो स्पिरिचुअल लेवल पर है, और इस पर्सन की आप एक शायद मजबूरी को समझते हो। ये जहाँ पर भी स्टक हैं, अगर आपको 100% इनके बारे में रियलिटी नहीं भी पता है, अगर इन्होंने कुछ बातें आपसे छुपाई हुई हैं, तब भी शायद इतने ज़्यादा आप इनसे कनेक्टेड हो कि वो वाइब आप पिक कर सकते हो कि कहीं ना कहीं मेरे मैस्कुलिन परेशान हैं, इस वजह से ये मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो। बट एट द सेम टाइम, जैसे कि मैंने कहा, आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में हो,
आप इनको जब तक पुश नहीं करोगे ये आगे नहीं बढ़ेंगे, ये आपको पता है। तो शायद आपने ऐसा बिहेवियर इनके सामने बना कर रखा होगा कि जब तक मैं यहाँ पर एक डोमिनेंसी नहीं रखूंगी, या फिर जब तक मैं स्ट्रिक्टली इनके लिए बिहेवियर में नहीं रहूंगी तब तक मेरे जो मैस्कुलिन है वो कुछ नहीं करेंगे। तो शायद आप इनका नेचर जानते हो, इसीलिए आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह अपने हाथों में वो वॉन्ड लेकर खड़े हुए हो कि नाउ और नेवर, अभी आपको करना है वरना मैं कभी आपको दोबारा से चांस नहीं दूंगी। यू नो, ये आपकी एग्जैक्ट एनर्जीज बनी हुई हैं, लेकिन इंटरनली शायद आप इस पर्सन को लूज नहीं करना चाहते। काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करने के बाद शायद आप दोबारा से एक रीयूनियन में आए होंगे गाइस, और क्योंकि इस रीयूनियन को आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे गाइस, इसी वजह से आपने अपने मैस्कुलिन के लिए वो एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर बना कर रखा होगा, ताकि ये जल्द से जल्द आपकी तरफ कोई एक्शन लें, एक एक्शन ओरिएंटेशन में आए। क्योंकि आपको पता ही होगा इनके बारे में, इनके लाइफ की जो भी सिचुएशन है, जो भी इनके हालात हैं, आपको कुछ ना कुछ आइडिया एटलीस्ट होगा, और आप इनके लिए एक हेल्पिंग हैंड भी शायद प्रेजेंट करने के लिए रेडी हो, बीइंग द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ये एक मैस्कुलिन पावर्स में है, आपकी तरफ से प्रेजेंट की गई हेल्प इनको शायद मंजूर नहीं होगी। अगर ये आपसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में एक इनडायरेक्ट वेज पर हिंट दे भी रहे हो, तब भी आप ऑलरेडी जानते हो इसी सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने लाइफ में जो जो भी चेंजेस इन्हें लग रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, उन सारे चेंजेस पर ये शायद वर्क करने में जुटे हुए होंगे, ये आप ऑलरेडी जानते हो। तो कहने का ये मतलब है गाइस कि आप यहाँ से वॉक अवे नहीं होना चाहते, और आप इस कनेक्शन पर भी गिव अप नहीं करना चाहते, भले ही इस पर्सन की तरफ आपका बिहेवियर आइदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, रूड होगा, एंड समटाइम्स बहुत स्ट्रिक्ट भी होगा, लेकिन आप इस पर्सन को कभी खोना नहीं चाहते। तो इस वजह से गाइस, आपके इस बिहेवियर की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग शायद बन गई है, और यही वजह है कि आइदर ये आपको पूरी तरीके से अपनी सिचुएशंस नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर आप इन पर कम्प्लीटली शायद भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर चल रही होगी गाइस। तो अब देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन के लिए ऑब्स्टिकल्स क्या हैं जो ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो इन एनर्जीज से मैं यही कह सकती हूँ गाइस कि आपका ये जो बिहेवियर है आपके मैस्कुलिन के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल बन गया है, और ये शायद अपने दिल की बातें आपसे कह नहीं पा रहे होंगे। मे बी दे सीक सम टाइम विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आई एम जस्ट श्योर गाइस कि ये अपने लाइफ में और सारे चेंजेस करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको खोने से डरते हैं, क्योंकि आपका जो बिहेवियर इनकी तरफ बना हुआ है वो एक किसी क्वीन ऑफ सोर्ड से कम नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा शायद इनकी तरफ आइदर कोल्ड वे में बिहेव कर रहे हो, ताकि ये एक ट्रिगरिंग में रहें, या फिर जल्द से जल्द आपकी तरफ एक एक्शन लें। लेकिन ये आपका जो बिहेवियर है ये इनके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन गया है, ये शायद अपनी प्रॉब्लम आपसे खुलकर डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। एंड मोर ओवर शायद ये सोच भी रहे होंगे कि आइदर आपको कैसे मनाया जाए, अगर आपसे ये टाइम पूछना चाहते हैं तो कैसे आपसे वो टाइम मांगे। यू नो, इन सारी बातों को लेकर ये अगर आपसे एक सेपरेशन में चले गए हैं, या फिर आपसे किसी पर्टिकुलर से टॉपिक पर डिस्कस करने को अवॉइड कर रहे हैं, तो वजह यही है कि इन्हें कुछ टाइम चाहिए। तो इवेंचुअली ये क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर वाली एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही हैं गाइस। इट मीन्स दैट कि इवेंचुअली ये आपकी तरफ एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह एक्शन लेंगे, और इवन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स से इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में आने वाले हो गाइस, क्योंकि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करके उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। और इवन द एम्परर ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ रिस्पॉन्सिबल मैन हस्बैंड। तो अगर आप लोगों ने शादी का यहाँ पर कोई सिनेरियो सेटअप किया है तो यस, इट इज़ गोइंग टू हैपन गाइस, क्योंकि आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते।
और आपकी तरफ एक फर्म फाउंडेशन रखने के लिए इन्होंने अपने ज़िंदगी में जो जो भी चेंजेस लाने हैं, ये उन सारी चेंजेस को लाकर आपकी तरफ एक स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में यूनिवर्स का साइन क्या कहता है आप लोगों के लिए, जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हो, अनफेयरनेस वाली एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। तो इट मीन्स दैट अभी इनके लिए एक अनफेवरेबल टाइम चल रहा है गाइस। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि इनकी सिचुएशन को आपने अंडरस्टैंड करना है और इनकी तरफ एक टाइम फ्रेम या एक कंडीशनिंग रखकर इनके साथ अनफेयर वे में बिहेवियर मत रखिए गाइस। आपकी एनर्जीज के हिसाब से आई रियली अंडरस्टैंड गाइस कि हो सकता है आपने पास्ट इवेंट्स के चलते कई सारे नेगेटिव सिनेरियोस को एक्सपीरियंस किया है, आप उन सारे एक्सपीरियंस को रिपीट नहीं करना चाहते, इसीलिए आप इस पर्सन के लिए काफी ज्यादा हार्श वे में बने हुए हो। लेकिन यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि सच में उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि हमने उनकी एनर्जीज बहुत ही डीपली यहाँ पर एनालाइज कर ली हैं गाइस। शायद एटलीस्ट अभी तो आपको एक क्लैरिटी यहाँ से मिल चुकी होगी, तो आप अपना बिहेवियर अपने पर्सन के लिए एक फेयर वे में रख सकते हो। इनसे इनकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश कीजिए और अगर आप टाइम एक्सटेंड कर सकते हो इनके लिए तो ज़रूर इन्हें कुछ टाइम दिया जाए ताकि ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद से रिजॉल्व करके आपकी तरफ एक फर्म फाउंडेशन प्रेजेंट कर पाए, क्योंकि ये किसी भी लीस्ट वे में आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते गाइस। आपको शायद ये डिजायरेबल लाइफ प्रेजेंट करना चाहते होंगे जो भी आप डिजर्व करते हो, ऐसा कोई लव ऑफर या प्रपोजल ये आपके सामने रखना चाहते होंगे। किसी भी तरह से लीस्ट वे में आपकी तरफ ये प्रेजेंट नहीं करना चाहते गाइस, खुद को भी या फिर ये जो भी आपको देना चाहते हैं उन सारी चीज़ों में ये अपना 100% आपको शो करना चाहते हैं। तो शायद इसीलिए इन्हें कुछ टाइम की ज़रूरत है और यही टाइम ये आपसे शायद मांगने की कोशिश कर रहे होंगे गाइस। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि जस्ट डोंट बी अनफेयर विद देम। ऑलराइट, तो आज की एनर्जीज में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।